नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध स्थान पर, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में दोस्तों इस बार माता रानी की काफ़ी भव्य दुर्गा पंडाल बना हुआ है और काफ़ी भव्य मूर्ति बनी हुई है। वैसे तो पिछले कुछ सालों से जो है नैला और शिवरी नारायण में काफ़ी बड़ी बड़ी माता की मूर्तियाँ और दुर्गा पंडाल बन रहा है, और इस बार भी यहाँ वृंदावन की तर्ज पर शिवरी नारायण में भव्य दुर्गा पंडाल और 9 दिनों का मेला नवरात्रि और दशहरा पर आयोजित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आपको शिवरी नारायण का दुर्गा पंडाल घुमाने लेके जाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो काफ़ी रोचक होगा। जय जवान दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ शिवरी नारायण का दुर्गा पंडाल, जो कि इस बार प्रेम मंदिर का जैसा बना हुआ है और भव्य उद्घाटन हुए हैं। 9 दिनों का मेला भी लगा हुआ है, तो आज आपको मेला घुमाने वाले हैं, यहाँ का प्रेम मंदिर पंडाल भी दिखाने वाले, दुर्गा मूर्ति भी दिखाने वाले। चलिए चलते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों जब भी आप शिवरी नारायण आते हैं तो यहाँ का जो शबरी मंदिर है वह काफ़ी प्रसिद्ध है और जहाँ तक ज़्यादा जो पर्यटक है इसे ही घूमने आते हैं। इस बार मेले के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ है। माघी पूर्णिमा मेले में भी यहाँ काफ़ी भीड़ होता है, नवरात्रि मेले में भी इस बार काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आप भी यहाँ आएँ दोस्तों तो यहाँ माता शबरी के दर्शन करने ज़रूर आएँ शिवरी नारायण मंदिर में। इसके अलावा यहाँ नर नारायण का मंदिर, ब्रिक टेम्पल ऑफ शबरी और भी बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ सबसे पहले आप आएँ माता के शबरी के जगन्नाथ के दर्शन करें, उनके दर्शन करने के बाद आप सीधे मेले में जाएं। और मेला में इस बार जो है 9 दिनों का मेला, लंदन ब्रिज, एक्वेरियम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल हम लोग यहां दर्शन करते हैं और उसके बाद सीधा आप लोग को मेले पर लेकर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को बताया, इस बार का जो पंडाल है वह प्रेम मंदिर पर बना हुआ है वृंदावन की तर्ज पर, और माता की मूर्ति जो है वह भी इस बार 32 फीट की बनी हुई है। साथ ही इस पंडाल की ऊंचाई 90 फीट और लंबाई लगभग 200 फीट है। काफ़ी बड़ा और भव्य पंडाल बना हुआ है दोस्तों, जहां हर रात को जो है नाइट शो आयोजित किया जाता है। साथ ही यहां किनारे में मेला ग्राउंड में मेला भी लगा हुआ है, जहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े झूले भी आए। तो अभी हम लोग शाम के टाइम आए हैं दोस्तों शिवरी नारायण, और यहाँ बाई बाइक पार्किंग देख सकते हो 10-20 रुपये का होता है, और पूरा भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। वो हमको दिख रहा है हमारा जो दुर्गा पंडाल है प्रेम मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है। इस बार बहुत खूबसूरत है। मेला थोड़ा सा आगे में है जो 9 दिनों का लगता है, और उसमें इस बार झांकी वगैरह, लंदन ब्रिज और एक्वेरियम वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे, घुमाएंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग दुर्गा पंडाल देखने के लिए। और यहाँ से हम लोग का जो है मेला ग्राउंड स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। माता की मूर्ति, माता का पंडाल काफी बड़ा बना हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का प्रेम मंदिर पंडाल। देख सकते हो भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है अंदर जाने के लिए, मतलब इस प्रकार का वो लगा हुआ है। और भीड़ तो आप देख सकते हो, चूँकि मेला भी लगा है इसलिए इस बार बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ नॉर्मली इतना भीड़ नहीं रहता है, लास्ट टाइम आया था तब तो बहुत ही कम भीड़ था। अभी 5 बजा हुआ है और उस हिसाब से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी शाम के टाइम कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ का प्रेम मंदिर बिल्कुल वृंदावन के प्रेम मंदिर जैसा बना हुआ है। बाकी तो अगर अंदर जाएंगे तो माता की मूर्ति देखने को मिलेगी। शाम को जो है लाइटिंग शो लगता है, और अभी अभी जो वो हुआ है, मतलब शुरुआत के दिनों में नहीं था, अभी तो बहुत अच्छा सा लाइट शो होता है रात को। और मेला पूरा ग्राउंड इधर है, जहाँ लंदन ब्रिज, एक्वेरियम वगैरह सब है, उधर भी आपको लेकर चलेंगे। हालाँकि देखते हैं, अभी शाम का समय है तो अभी पूरा उतना वो नहीं हुआ होगा। बाकी अगर रात के समय आओगे तो आपको फुल फील आपको मिलने को मिलेगा।
दोस्तों आप लोग को शिवरी नारायण का यह प्रेम मंदिर की तर्ज पर बना दुर्गा पंडाल कैसा लगा, साथ ही माता की मूर्ति, माता के दर्शन करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आप लोग यहाँ के मेला नहीं आए हैं तो मेला ज़रूर आइए, मेला ख़त्म होने ही वाला है, 4 दिनों का मेला और रहेगा। दोस्तों दशहरा में यहाँ खासा कार्यक्रम है तो उससे आप लोग ज़रूर आकर देखिएगा। फिलहाल आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों यह था सूर्य नारायण का दुर्गा पंडाल और दुर्गा माता की मूर्ति और यहाँ का मेला। आप लोग को कैसा लगे वीडियो मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी 9वीं तक यही रहने वाला है दशहरा तक। दशहरा में स्पेशल कार्यक्रम होने वाला है, अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट करके जरूर देना, जो भी अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देखिए वीडियो में तब तक करिए।